Hello everyone. The topic for today's session is The Last Leaf. It's a chapter from book Moment of Class 9th Standard. Let's start with the story and read something what the story contains, what the story is all about. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why doesn't the last leaf fall? इट इज़ ऑटम. ऑटम एक सीजन होता है, एक मौसम होता है जिसे हम हिंदी में पतझड़ कहते हैं. द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, उस मौसम में बेसिक इट्स बेसिक के तेज हवा चलती है जिसकी वजह से पेड़ों से पत्तियों से शाखाओं से पत्तियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको हम पतझड़ कहते हैं. लाइक द लीव स्टार्ट शेडिंग फ्रॉम द ट्रीज, सो वी कॉल इट. ऑल द लीव्स ऑफ एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. सारी की सारी पत्तियाँ, आईवी क्रीपर इज द नेम ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का नाम है जिससे सारी की सारी पत्तियां धीरे धीरे गिर चुकी हैं, मगर एक पत्ती है जो नहीं गिरती. सो लेट्स फाइंड आउट द मिस्ट्री, फाइंड आउट द स्टोरी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. सू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. तो सू एंड जॉनसी ने एक घर रेंट पे लिया है, एक पुराना घर है जिसकी वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं एंड दोनों साथ में रहते हैं. And they both are artists. वो दोनों एक कलाकार हैं. They deal with an form of art. Artist वो इंसान होता है जो arts में involved होता है. Like a person is either a dancer, a singer, a painter, or any form of art he is performing. He or she is performing. So artist is that person, that guy. Jonsi fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jonsi's condition. So here what happened, Jonsi is very ill. Jonsi बहुत ज़्यादा बीमार है नवंबर से और उसको निमोनिया हो गया है. वो पूरे दिन अपने बेड पर मतलब लेटे हुए रेस्ट करती रहती है और सिर्फ बाहर विंडो की तरफ घूरती रहती है, मतलब गेजिंग लाइक टू लुक some look at something continuously, like gazing is like हम ताड़ रहे हैं, निहार रहे, मतलब देख रहे हैं लगातार, gazing. So she used to look outside the window, वो उधर ही देखती रहती है. Although उसके friend ने डॉक्टर को invite किया, doctor is checking her, मगर वहाँ उसकी तबीयत में कोई change नहीं आ रहा है. Although he is coming every day and checking and giving medicines, मगर there is no improvement in the condition of Jonsi. One day the doctor took Sue aside and asked her, is anything worrying Jonsi? तो एक दिन डॉक्टर सू से पर्सनली पूछते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको चिंता है, किसी चीज़ की कोई ऐसी चिंता है जिसकी वजह से ये परेशान है. तो सू रिप्लाइज नो, रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क. तो पूछते नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपने ऐसा क्यों पूछा मुझसे. तो डॉक्टर सेड, Jonsi, it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her. तो डॉक्टर ने कहा इससे इस कंडीशन Jonsi की देखकर ऐसा लगता है कि उसका मन ही नहीं है ठीक होने का. शी डज नॉट वॉन्ट टू गेट वेल, टू गेट ऑल राइट. तो अगर इंसान अपने अंदर से ही नहीं चाहता है कि वो ठीक हो जाए, तो आई डोंट थिंक कोई मेडिसिन ऐसी है जो उसे ठीक कर दे. मेडिकल साइंस में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जब इंसान खुद ना चाहे जीना और उसे बचा लिया. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक Jonsi टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, बट Jonsi did not respond. Jonsi continued to lie still on her bed. Sue brought a drawing board into Jonsi's room and started painting. To take Jonsi's mind off her illness, she whistled while working. So Sue was one of the best friend, like उसकी best friend है और वो हर कोशिश कर रही है कि जिससे Jonsi थोड़ा recover हो जाए और ठीक हो जाए. तो उसी के लिए Jonsi से वो हमेशा उस तरीके की बातें करती है लाइक जिसमें गर्ल्स आर इन्वॉल्व एंड जो लड़कियों को बहुत पसंद होती है, लाइक क्लोथ्स, फैशन थिंग्स एंड ऑल. और उसके अलावा भी Jonsi उसके रूम में जाके पेंट करना स्टार्ट करती है एंड व्हाइल शी इज पेंटिंग वो कभी कभी विसल भी कर रही है, लाइक सीटिंग बजा रही है ताकि थोड़ा थोड़ा ध्यान Jonsi का उसकी तरफ भी आता रहे और वो सब ना सोचे जिन चीज़ों के बारे में सोच सोच के वो परेशान रहती है और बीमार है. सडनली सू हर्ड Jonsi विस्पर समथिंग. शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड Jonsi counting backwards. She was looking out of the window and she was saying 12. After some time she whispered 11.
then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. So Sue actually saw Jonsi ki she was whispering something. वो बड़बड़ा रही थी धीरे धीरे आवाज, whispering something, slow आवाज में कुछ बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना. She quickly rushed to the back and had Jonsi counting backward. So actually, normally we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But Jonsi was counting like in opposite, like it was, she was counting in a descending manner, like 12, 11, 10. वो धीरे धीरे क्यों काउंट कर रही थी? क्योंकि वो बाहर देख रही थी जहां पर आईवी क्रीपर जो पेड़ था उसके उससे धीरे धीरे करके लीफ शेड हो रही थी, पत्तियां गिर रही थी, तो वो उल्टी गिनतियां इसीलिए कर रही थी. पहले उस पर 12 पत्तियां थी, शी वॉज काउंटिंग 12. जब एक और टूट गई देन शी काउंटेड 11. फिर धीरे धीरे करके एक एक करके जैसे वो डिक्रीज मैनर में कम होती जा रही थी, वैसे वैसे शी वॉज काउंटिंग द लीव्स. What is it, dear? Sue asked. ये क्या है? Six, whispered Jonsi. They are falling faster now. तो Jonsi कहती है six. मतलब अब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. जो पत्तियां गिर रही थी उसने रिप्लाई किया कि अब उनकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है. And I am counting those leaves. Three days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Jonsi कहती है कि जब मैंने कुछ दिन पहले यहाँ देखा था तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा पत्तियाँ थी, 100 से ज़्यादा पत्तियाँ आईवी क्रीपर पे थी, मगर अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाइक स्लोली स्लोली दे हैव स्टार्टेड फॉलिंग डाउन विन अ वेरी इंक्रीजिंग स्पीड, लाइक धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी गिरती चली जा रही है और अब सिर्फ 5 बची हैं. व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉनसी विद फाइनलिटी. आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट थ्री डेज. सू सेड, देखो ये ऑटम सीजन है, पतझड़ का है जॉनसी, इट्स नॉर्मल कि पत्तियां पेड़ों से गिरेंगी गिरेंगी. मगर सू जॉनसी रिप्लाई करती है कि आई नो, बट जब इस पर पेड़ की जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी ना, आई विल ऑल्सो डाई, मैं भी उस दिन मर जाऊंगी. वॉट हैव आई, सो जॉनसी विद फाइनलिटी, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट थ्री डेज. और ये मुझे लास्ट थ्री डेज से इंट्यूशन आना ना, मुझे फील हो रहा है सर. ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. What have old ivy leaves to do with you, with your getting well? The doctor is confident that you will get better. तो वो रिप्लाई करते, this is nonsense, Jonsi. ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा सोचना बिल्कुल बेकार है. डॉक्टर ने भी बोला है, he is confident. वो बहुत confidence है इस चीज़ को लेके कि एक दिन आप ठीक हो जाओगे. So just don't worry. Jonsi did not say anything. Sue went and bought her a soup, bowl of soup. जॉनसी कुछ नहीं बोलती और सूप के लिए किचन से सूप लेकर आती. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉनसी, आई एम नॉट हंग्री नाउ, देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉरएवर. कहता मुझे कोई सूप भूख नहीं चाहिए, मैं, मेरे को भूख नहीं लगी है और अब 5 नहीं बल्कि 4 पत्तियाँ पेड़ पर रह गई हैं सर. और वही बोलती है कि आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, मतलब बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ती कब गिरेगी, और जब वो गिरेगी आई विल स्लीप फॉर एवर, मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी. सू सैट ऑन जॉनसीज बेड, किस्ड हर एंड सैड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉनसी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट. तो वो रोशनी के लिए थोड़ा कर्टेन हटा देती है ताकि उसको पेंट करने में मदद मिले, और उसको वो पेंटिंग आज फिनिश करनी थी. एंड शी बैग जॉनसी, वो जॉनसी से बोलती है कि प्लीज़ जब तक मैं पेंट करूँ आप बाहर मत देखना, बिकॉज इट विल डिस्ट्रैक्ट हर. एंड जॉनसी जितना बाहर देखेगी उतना ज़्यादा डिप्रेस होती चली जाएगी. ऑल राइट, सेड जॉनसी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लाइफ. तो कहता है ठीक है आप अपनी पेंटिंग खत्म कर लो, अब मुझे देखने दो कि ये आखिरी पत्ती कब देती है. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं उसका इंतजार करते करते थक गई हूँ. आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली, तो मुझे आराम से मर जाने दो, लाइक उन एक पत्तियों की तरफ, जैसे एक एक पत्ती गिर रही है मैं भी गिर जाऊँगी, लाइक
in the sense mar jaunga. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Bhaman up to be my model. So try to sleep. वो कहती है आप सो जाओ, मुझे पेंट करनी है एंड मैं अपने मॉडल लाइक बहरमान को नीचे से सब तक बुला लेती हूँ. Now we have another character in the story who is Bhaman. Bhaman is also a painter and artist. So let's read in with coming chapter. We'll understand what Bhaman is all about in this chapter. What character means. Sue rushed down. Bhaman lived on the ground floor. Bhaman नीचे उसी घर में नीचे वाले सबसे ground floor पे रहते थे. He was a 60-year-old painter. वो 60 साल का painter है. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसका बचपन से सपना है कि वो एक masterpiece बनाए. Masterpiece in the sense like उस painting से like लोग उसे जाने. Like we have number of painters जिनकी painting की वजह से हम उनको जानते हैं. Like M. F. Hussain, you will watch his painting and you will understand यहाँ ये M. F. Hussain ने ही बनाई. So इस टाइप का एक मास्टरपीस जिससे उसका नाम लोगों में मशहूर हो, लाइक लोग उसे जाने. he had a dream of making that masterpiece. Sue poured out her worries to Bhaman. She told him how Jonsi was convinced that she would die with the last leaf fell. Sue ने उसको सारी कहानी बताई कैसे कैसे जॉन्सी के दिमाग में चल रहा है कि जैसे जैसे पत्तियां गिरती चली जाएगी और जब लास्ट पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी. He actually told everything about the Jonsi's condition and all. Is she stupid? Asked Bhaman. How can she be so foolish? तो बहरमान का भी सेम रिप्लाई है, क्या पागल है वो, ऐसी कैसी हरकतें कर सकती हो. She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. कहते वो उसको बहुत तेज बुखार है. As we told, she is suffering from pneumonia. And she refuses, और वो खाने पीने हर चीज से मना कर देती है और इसी वजह से मुझे बहुत चिंता हो रही है. I will come with you and see Jonsi, Bhaman said. मैं आऊँगा तुम्हारे साथ और Jonsi को देखने चले. They tiptoed into the room. Jonsi was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Bhaman did not say a word. He went back to his room. So, वो दोनों उस रूम में एंटर करते हैं एंड what we see is उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा when they looked outside the window, they saw that बहुत तेज बारिश हो रही है और बिल्कुल एकदम ठंडी icy cold बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है. It stood और ये सीम होंगी, ये लगता है कि आज शायद वो जो लास्ट लीफ उस पेड़ पे है वो आज गिर ही जाएगी. Jonsi woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. Sue drew back the curtains very reluctantly. अब Jonsi Sue को बोलती है please curtain हटाओ because she want to look at that leaf कि वो leaf है कि नहीं. And Sue के अंदर भी एक मतलब एक शंका है, वो sure नहीं है, उसे लग रहा है कि अगर इसने window खोली और वो पत्ती नहीं मिलेगी क्योंकि जिस तरीके की last night बारिश हुई थी इट सीम्स दैट कोई कंडीशन नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पत्ती वहाँ पेड़ पे होगी. सो शी वॉज वेरी हेजिटेटिंग टू ओपन टू ड्रॉ द कर्टेन. ओ सू एक्सक्लेम एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. बट शी वॉज एक्चुअली सरप्राइज एंड एक्सक्लेम विद जॉय. उसे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बाहर देखती है कि वो पत्ती अभी भी क्रीपर पर लगी हुई. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म and the fierce wind it didn't fall. So what basically it is the green is looking more healthier and green. हम देखते हैं कि पत्ती कब गिरती है, लाइक जैसे जैसे वो it gets into a bad condition, सूखना स्टार्ट हो जाती है, अनहेल्दी हो जाती है और वो गिर जाती है. मगर इस पत्ती को देख के लग रहा था इट वॉज वेरी ग्रीन एंड हेल्दी, वो एकदम फ्रेश लीफ की तरह दिख रही थी. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म और इतनी भयंकर तूफान के आने के बावजूद भी it actually did not fall. I had the wind last night, said Jonsi. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. Because Jonsi कहती है मैंने last night आवाज सुनी थी storm की, तूफान की, इतनी तेज थी, मुझे sure था कि आज ये पत्ती गिर ही जाएगी. But कोई बात नहीं, कल नहीं मगर आज ये हो जाएगा, आज ये पत्ती गिरेगी and then I'll die. You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends.
what would happen to me if you die? So उसी तो सू replies that in a sort of energy like नहीं तुम नहीं मर सकती like because she is worried also and she has that emotional energy inside her that she will try her level best to make John C feel better. तो वो हर कोशिश कर रही थी और वो बोलती है कि अगर तुम मर जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा बिकॉज दे वर द बेस्ट दे बोथ वर बेस्ट फ्रेंड्स. John C smiled deeply and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seems to be clinging to the creeper. So after every hour, she was looking at the window, outside the window, and she was looking at the leaf. कि ये गिरेगी, because it was clinging to the creeper. So and she was somehow confident कि हाँ ये एक पत्ती बचेगी नहीं, and मैं भी उसके साथ मरूंगी. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. अब शाम को एक और भयंकर तूफान आता है, मगर अभी भी लीफ वहाँ से गिरी नहीं है. John C lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to shoot. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. So has been looking at the leaves, she was actually motivated enough. जब वो देख रही थी कि दो तीन स्टॉम आ गए देखो और अभी तक पत्ती गिर रही नहीं तो लुक एट द लीव कि वो नहीं गिरी एंड आई एम बींग अ ह्यूमन बींग मैं अपने दिमाग में इतना कुछ उल्टा सीधा सोच चुकी हूँ और अपनी लविंग फ्रेंड जो है मेरी सबसे बेस्ट उसको भी मैंने इतना परेशान एंड डिप्रेस किया हुआ है एंड उसको ये रियलाइज हुआ कि अपने आप खुद को ख़त्म कर लेना लाइक इफ यू विश टू डाई इज अ रॉन्ग डीड वो अच्छी बात नहीं होती ये एक पाप है ये गलत हरकत है कि अगर आप खुद से मरना चाहते हैं लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ सुसाइड इफ यू सुसाइडिंग इट्स अ वर्स्ट जॉब अ पर्सन डज. सू हग John C देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर. John C calmed her hair and smiled brightly. Now John C is feeling quite better. She is into her now. She has all that energy. She has started eating. उसने खाना पीना भी शुरू कर दिया है उसके लिए शीशा आया शी ट्राइड का शी कॉम्ड हर हेयर एकदम एंड वॉज स्माइलिंग वेरी ब्राइटली शी वॉज हैप्पी नाउ. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू John C नाउ हैज द विल टू लिव आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहमा. डॉक्टर आते हैं उसको विजिट करते हैं एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन द रिकवरी ऑफ John C. उनको लगा और उन्होंने सू को बताया कि John C इज नाउ मोर कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ हैप्पी वो अच्छे से रह रही है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी हैज़ विल टू लिव वो चाहती है जीना एंड शी इज कम्प्लीटली ऑल राइट. सो ही इज़ ऑल नाउ आई हैव टू गो डाउन स्टेयर्स मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि नीचे बहरमान को भी बुखार लाइक ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड दैट इज निमोनिया आ गया तो ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम. डॉक्टर सेज के हाँ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बहरमान एंड आई थिंक शायद वो बच नहीं पाएंगे देर इज नो होप फॉर इट. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम अप एंड सैट ऑन John C's बेड टेकिंग John C's हैंड इन हर्स एंड सी सैड आई हैव समथिंग टू टेल यू मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. सो हियर कम्स अ बैड न्यूज जहाँ पर सुबह सू John C के रूम में जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसको ये बुरी खबर सुनानी पड़ती है उसे कि बहरमान की मौत हो गई है निमोनिया की वजह से. He was ill for last 2 days. वो लास्ट दो दिन से बीमार थे. The first day the janitor found him on his bed. उनके असिस्टेंट ने उनको पहले दिन बेड पे देखा था जब उनके his clothes and shoes were wet and he was shivering. जब उनके कपड़े और जूते बिल्कुल गीले हो चुके थे एंड वो ठंड से काँप रहे थे. He was shivering का मतलब लाइक काँपना ठंड से वो उस वक्त काँप रहे थे. He had been out in that stormy night. उस रात जिस दिन बहुत तेज तूफान आया था बहरमान पूरे दिन उस स्टॉर्मी नाइट में बाहर ही थे. देन दे फाउंड अ लेटर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. और जब उन्होंने बेड के बगल में देखा वहाँ पर एक लैडर था एक सीढ़ी थी एंड लैंटर्न था एक लालटेन थी तो उससे साफ प्रतीत होता है साफ समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने लैडर सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के लिए वॉल पे पेड़ पे यूज़ किया था और उस लैंटर्न को लाइट के लिए रात में यूज़ किया था ताकि थोड़ी रोशनी रहे. देर वर सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर. और वहाँ पर ब्रशेज जो कि ग्रीन और येलो कलर में डूबे हुए थे
वो भी बाय द जॉन सी डियर सेड सू लुक आउट ऑफ द विंडो. जॉन सी से सू बोलती है अब आप खिड़की के बाहर देखो, लुक एट दैट आईवी लीफ, उस लीफ को देखो जो 3 दिन से उस पेड़ पे मतलब टंगी हुई है, एक तरीके से चिपकी हुई है. बिकॉज वाई, बिकॉज दैट लीफ वॉज नॉट ओरिजिनल. सो लेट्स सी, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोस. तुम्हें कभी लगा नहीं कि ये पत्ती गिरी क्यों नहीं इतनी तेज आंधी और तूफान के आने के बावजूद भी. दैट्स बहरमान्स मास्टर पीस, वो बहरमान का मास्टर पीस है. लाइक ये पत्ती जो आप देख रहे हो बाहर 3 दिन से जो गिरी नहीं थी वो बहरमान ने बनाई थी, वो बहरमान का मास्टर पीस है. लाइक बहरमान्स ड्रीम वॉज टू मेक अ मास्टर पीस एंड ही एक्चुअली डिड इट. उसने एक ऐसा मास्टर पीस बनाया जिसने एक इंसान की जान बचाई. तो उस रात को जो पत्ती आर्टिफिशियल वहाँ लगी थी वो बहरमान का काम था. बहरमान एक्चुअली टुक द लैडर एंड लैंटर, रात को वो सीढ़ी लेके उस पत्ती को पेंट करके गए थे और उस पेड़ पर उन्होंने वो आर्टिफिशियल लीफ लगाई जिससे कि जॉन सी उसको बराबर देखती रहे, क्योंकि अगर वो पत्ती लास्ट जो लास्ट लीफ है वो गिर जाती तो आई थिंक जॉन सी भी नहीं बचती और वो मर जाती. उसको एक्चुअली बहरमान नोज दिस कि हाँ ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इसीलिए वो रात में बिना कुछ सोचे समझे खुद को तकलीफ दे के वो बंदा पेड़ पर चढ़ता है और एक आर्टिफिशियल लीफ लगाता है जिससे कि जब वो सुबह जॉन सी उसे देखे तो उसके अंदर एक होप पैदा हो, जीने की एक आशा आ जाए. ताकि क्यों, क्योंकि उसको दिखे कि देखो लास्ट लीफ अभी भी नहीं गिरी है एंड शी कैन स्टिल लिव, शी हैज अ होप ऑफ लिव. सो एक्चुअली दैट वॉज मास्टर पीस ऑफ बहरमान अकॉर्डिंग ट्रू नॉलेज एंड ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. तो वो उसने उसी दिन बनाई थी जिस दिन वो लास्ट लीफ गिर चुकी थी. मतलब उस लास्ट लीफ के गिरने के बाद बहरमान को आइडिया आया कि नहीं मुझे ये लास्ट लीफ बना देनी चाहिए एंड जॉन सी की जान बचा देनी चाहिए. आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल द स्टोरी द लास्ट लीफ. And thank you so much for watching the video.